हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको बची हुई रोटियों से एग रोल बनाना बताऊंगी। एग रोल बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे आप लंच बॉक्स में बना कर रख सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। आइए अब हम एग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। एग रोल में एक रोटी के साथ एक एग यूज़ होता है। ये देखिए, मैंने एक एग लिया है। इसके अलावा टमाटो सॉस, हरी चटनी, पत्ता गोभी महीन कटा हुआ, लाल मिर्च, नमक और प्याज कटी हुई, ये रोटी हैं बची हुई। इस तरीके से हम इन रोटियों को बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एग को मैंने फोड़ लिया है, इसमें नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको फॉक की सहायता से या एग बीटर से आप इसको अच्छे से फेंट लें। अब हम ने ये तवा, उस पर घी डाला, इसमें बटर या देशी घी यूज़ करते हैं, और गरम पर ये एग जो हमने फेंटा हुआ रखा है इसको डाल देंगे और तुरंत ही इसके ऊपर हम इस तरीके से रोटी को चिपका देंगे और धीमी धीमी गैस पर सेकेंगे। मैं ज़्यादातर आयरन वेसल्स को यूज़ करती हूँ, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अभी जब सेकने वाला है इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और इसको दूसरी साइड से भी सेकेंगे। इस तरीके से हमारा ये एग का रैप तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे प्लेट में और फिर इसमें हम फिलिंग करेंगे। ये आसानी से ले जाए जा सकते हैं लंच में, खाने में भी बहुत इजी होते हैं क्योंकि अच्छे से फोल्ड करे हुए होते हैं। ये बाहर निकाल लिया पेपर नैपकिन पे या फिर एल्युमिनियम फॉइल किसी पर भी इसको हम रोल कर सकते हैं। अब चटनी लगाई, चटनी भी आप बाजार की रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस जो आती है। अब इसमें सोया सॉस लगाई, ये खाने में भी बहुत चटपटा लगता है। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने कच्ची प्याज डाली, मैं इसके प्याज को छोटे पीसीज में काटा है क्योंकि कई बार इसमें बड़े बड़े लंबा लंबा काट कर रख डाल देते हैं तो थोड़ा सा खाने में इजी नहीं रहता है। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है। अब इसको हम इसका एक रोल तैयार कर देंगे। और इस तरीके से खाते हैं तो उसको खाने में हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और इजीली हैंडल है। देखिए, इस तरीके से एग रोल बनकर तैयार है। आप साथ में एक्स्ट्रा सॉस या चटनी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई डिश देखने के लिए। इसके अलावा मैंने एग करी अपनी लास्ट वीडियो में डाली थी और आने वाले वीडियोस में एग करी है, एग भुजी है, एग बिरयानी है। थैंक यू।